हम आकिब सर से भी जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने देखा कि नेदरलैंड्स दे वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, क्या उनके फैसले को किस तरह से देखते हैं? फिर ये भी बताइए कि सेफ टोटल क्या है? देखिए स्वाय ऑस्ट्रेलिया की ये कोई गलती नहीं करेगा अंटिल इट्स अ डे अगेन. एग्जैक्टली. ठीक है, अब उनसे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, जो भी जस्टिफिकेशन हम दें बनती नहीं है. सही. अब देखें ना कि आप जब एक पिच है, जब मैच शुरू होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हीट भी होती है, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखते हैं जी. तो पहले 4 से 6 ओवर, क्योंकि 2 नए बॉल यूज हो रहे हैं दोनों एंड से, तो हर बॉलर को एडवांटेज ये होता है कि टाइम्स होता था कि एक बॉल यूज होता था वनडे में जी. तो आप मुझे ये प्रॉब्लम होती थी ज्यादा, क्योंकि आई वाज लाइक सीम बॉलर, तो मुझे अच्छी सीम चाहिए, मुझे पता था मेरा बॉल तो लगेगा सीम पे, लगेगा खराब नहीं होगा. एग्जैक्टली. कई दफा दूसरी तरफ जो बॉलर लगता था वो एक ही ओवर सत्यानाश कर देता था. तो इसीलिए जो 4 ओवर है, 4 से 6 ओवर, वो तो कुछ ना कुछ बॉल ने करना ही करना. अच्छा, उसके बाद आपकी जितने भी स्पिन ऑप्शंस हैं वो यूटिलाइज होंगी. बॉल ग्रिप करता है थोड़ा सा, स्पिन करना है तो उसने डे टाइम में ही करना है जी. जैसे ही आप शाम को खेलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अगर ड्यू ने आना ही है जी, बहुत कम ऐसा है कि वो ना आए. अगर वो पहले 25 ओवर में नहीं आएगी तो आखिरी जब अब डिसाइड हो रहा होता है मैच का, अगर आपने लेट से 250 किया हो या 300 किया हो, मैच जब डीप जाएगा, जब आपने डिफेंड करना है लास्ट 10 ओवर्स, उसमें आप उसको लेके भी आ गए 9 ओवर, ड्यू आ गई, फारग हो गए, तो ये तो कोई इस टीम किसी को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आप डिफेंड करो ऐसी कंडीशंस में कि जहां पे ड्यू फैक्टर आ. और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है ये बड़ा ठीक डिसीजन लिया है नेदरलैंड ने भी, कि अगेन आपने आपको एक चांस दिया कि अगर ड्यू आ जाती है भाई आपने हमारे एडवांटेज लेना. हमारे खिलाफ मैच में भी आप देखें कि उन्होंने थोड़ा वेट किया पहले 2 आउट होने के बाद, कि थोड़ा स्लो खेलते रहे कि ड्यू शायद आ जाए. वो तो लकीली उस दिन ड्यू ऐसा चाहिए आई नहीं. अगर ड्यू आ जाती, मैं आपको सही बता रहा हूं, उस दिन आई नहीं है, आई नहीं. और यहां पे आज भी जो टेंपरेचर है, ह्यूमिडिटी है, कम चांसेस है. उस दिन रिवर्स भी हुआ. हां जी, रिवर्स से आउट हुए वो नेदरलैंड वाले, जिस तरह से वो 2 विकेटें और 137 पे चले गए थे. अगर ना अगर ड्यू आ जाती तो पाकिस्तान वो मैच हार सकता था. बिल्कुल. तो आपने चांस क्यों लेना है? ऐसे थोड़ा सा अगर हम बात करें नेदरलैंड के वाले से, तो 2 ऐसे उनके बैटर हैं जो बड़े आउटस्टैंडिंग है. एक उनके कैप्टन एडवर्ड, और जो ऑलराउंडर हम सलीदे की बात कर रहे थे, बड़ा खूबसूरत खेले, और जिस तरह उन्होंने क्वालिफाई राउंड के अंदर भी डिसाइडर के अंदर सेंचुरी करके अपनी टीम को क्वालिफाई करवाया, कैसे देखते हैं इन दोनों प्लेयर्स को? देखिए उनका जो ऊपर ये जो विक्रमजीत सिंह है, ये भी एट टाइम डेंजरस होता है. ओडायो, क्या नाम है उसका, एक ओपनर है ओडियो जी, वो भी एट टाइम डेंजरस हो जाता है. आई मीन लुक, दे हैव लाइक टीम स्क्वाड भी आ चुकी है डिसेंट. ये देखें अगर हम वही चीज आई न्यूजीलैंड की अगर बात करें, तो हमने देखा कि विलियमसन को आज नहीं रिस्क दिया गया, उन्होंने रेस्ट दिया. ऑब्वियसली वो बड़े मैचेस के लिए और उनको मुकम्मल फिट देखना चाहते हैं. Exactly. बाकी somehow उनकी सेम साइड है. फर्गुसन का आना बड़ा अच्छा है जी. जी, फर्गुसन इज लाइक वन ऑफ काइंड बॉलर. यस, जो स्पेशली एशियन टीम्स के लिए एक मुसीबत डाल सकता है. हाँ जी. और इनकी अगर नेदरलैंड की बात करें, दे हैव लाइक डिसेंट बैटिंग. यस, टेक्निक अच्छी है, बट कंपेयरिंग विद न्यूजीलैंड, आई डोंट थिंक एनी चांसेस अंटिल कि नेदरलैंड आउट क्लास तभी करेगी जब अंडर प्ले होगा न्यूजीलैंड से. अच्छा, अगर हम नेदरलैंड्स की बात करें, तो पाकिस्तान के साथ भी जब इनका मैच था तो पैचेस में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी. व्हाट डू यू थिंक, इस तरह की बड़ी टीम्स के साथ जब ये खेलेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस इवेंचुअली इंप्रूव होगी? देखिए स्पिन इज अ चैलेंज. नेदरलैंड को स्पिन ट्रबल कर सकती है, क्योंकि ये जब खेलते हैं तो मीडियम पेस बॉलिंग, नॉर्मल यू नो स्पिनर्स, इनको ये यूज्ड टू होते हैं. लेकिन जब इट्स कम टू पेस, 145-50 इन्होंने कभी नहीं खेलते. या ऐसे स्पिनर्स जो आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं, वो इनको समझ नहीं आती. तो स्पिन एंड एक्स्ट्रा पेस, ये ट्रबल है जो इनएक्सपीरियंस जो टीम है उनके लिए. तो न्यूजीलैंड के पास दोनों ही है. फर्गुसन जिस पेस से बॉल करता है जी, हेनरी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, मेरा ख्याल है अभी वेरी वेरी इंप्रेसिव विद अ न्यू बॉल. इवन आकिब भाई बाद में भी जो सेकंड और थर्ड स्पेल उनका हमने देखा, उन्होंने जितना खूबसूरत सीम का पहले यूटिलाइजेशन की,
फ्लोर बाउंसर की बात करें या वेरिएशन जितनी ज्यादा पूरे 10 ओवर के स्पेल में हेनरी ने की, शायद किसी स्पिनर पेस अटैक बॉलर, वेरी फाइन बॉलर, बट अगर देखे तो उनका ध्यान किधर होगा, नेदरलैंड का फर्गोसन की तरफ, यस ठीक है, सेंटनर की तरफ, इनको इस स्तुति को लाना चाहिए टीम के अंदर, क्योंकि उसको वो एक ऐसा बॉलर है कि जो टीम्स लाइक जो नहीं रीड करते, लेगी गूगली फ्लिपर, तो वो डिफरेंस डाल सकते हैं जी। उनको ऐसी इस मैच में जिसमें आपको पता है कि कोई इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, हाँ। तो उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर कभी इनका मैच चेन्नई में आ गया तो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो अपनी जो अच्छा उनका एक ऑप्शंस है, सऊदी का करना चाहिए, इस सऊदी का अगर देखें तो आप ऑब्वियसली लेग ब्रेक तो बड़ी अच्छी करते हैं, बट उनका प्रॉब्लम एट टाइम हमने देखा, जैसे मैं उनको रिकॉल करता हूं तो उस्मान कादर के ब्रेक तो बहुत ज्यादा थी, बॉलिंग एक्शन भी बड़ा जबरदस्त था, बट लेंथ का प्रॉब्लम बड़ा आता है उनको कि प्रॉपर लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं जब करते, जब लेंथ आपको पता है लेग स्पिनर की थोड़ी सी भी पीछे होती है तो शॉर्ट लेग मिड विकेट पे मारना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि जब आप ऐसी कंडीशन में मैच खेल रहे होते हैं जिसमें 250-60-70 एक एवरेज टोटल है, वहां पे अगर एक्सपेंसिव बॉलर आए ना तो आपको हर्ट कर देगा जी। जो ये टूर्नामेंट है इसमें जो विकेट टेकर है उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू, यस, आप क्योंकि डिफेंड तो कर ही नहीं सकते, अगर आप आउट नहीं करते, अगर वो बीच में जब नेदरलैंड अगेंस्ट पाकिस्तान अगर रिवर्स स्विंग ना होता जी तो ये मैच गया था ऐसे ही। तो विकेट टेकर्स को आपने इसमें खिलाना है, वही आपको मैच जीत के देंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा थोड़ी सी अगर हम जिस तरह नए हीरोज की बात करें या नए स्टार इन मेकिंग की बात करें तो चैपमैन की मैं बात करना चाहूंगा। ये लड़का जब अभी हमारे साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज खेली T20 में, जिस तरह की खूबसूरत इन्होंने इनिंग्स खेली, सेंचुरी बनाई और एक पिंडी वाला मैच तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं भूलेगा, और फिर ODIs के अंदर भी ये एक लोन सोल्जर के तौर पे नज़र आया और खूबसूरत क्लीन हिटिंग, मेरा ख्याल है अगर हम वर्ल्ड एरा के अंदर अगर देखते हैं खासतौर पर मिडल ऑर्डर या लेट मिडल ऑर्डर में, तो इतनी नीट एंड क्लीन हिटिंग कोई लड़का नहीं कर रहा, और मेरा ख्याल है कि ऐसा हमें इस वर्ल्ड कप के अंदर, मैं तो अभी स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप एंड होगा तो ये एक न्यू स्टार के तौर पे नजर आएगा, आप कैसे देखते हैं कोच इसको? मैं तो उसको तब से जानता हूँ जब ये ही वाज 17 इयर्स ओल्ड। अच्छा, ही इज फ्रॉम हांगकांग। ओके ओके, इसके पेरेंट्स न्यूजीलैंड के हैं, तो जब यूई के मैचेस हमारे होते थे तो एक छोटा सा बच्चा वो खेलने आ गया अंदर, तो ही वाज सो गुड एट दैट टाइम। अच्छा एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट की खूबसूरती या ऑस्ट्रेलिया की, पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, क्रिकेटर्स का पूल भी बड़ा थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वहाँ टैलेंट अगर है तो वो स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास, वो जाया नहीं होता, जाया नहीं होता, बिल्कुल सही, ठीक है। ये विलियमसन पाकिस्तान टीम के साथ में कोच था, हम न्यूजीलैंड गए, एक 3-day मैच हुआ, उसमें विलियमसन ने बैटिंग की तो ये आउट ही नहीं हुआ तो तब से पता था कि ये एक ऐसा प्लेयर वो ग्रूम कर रहे हैं कि जो एक दिन आएगा फिर वो 15 साल खेलेगा। ये स्कूल लेवल से कैप्टेंसी कर रहा है ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि क्योंकि एक सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है, हम कैप पे कैप बांटी जाते हैं और एस्टेब्लिश कौन होता है, एक हादसे में जो सर्वाइव कर जाए जी। व्हेन यू हैव टू मेनी ऑप्शंस एंड हैव नो सिस्टम, आपका 90% जो टैलेंट है वो जाया हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। हाथ साथी आपको स्टार मिलते हैं, हाथ साथी आपको सुपरस्टार्स मिलते हैं, इस सिस्टम से नहीं जाते। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।